मैं जानवी झा माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज का टॉपिक है अहंकार। अहंकार हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हमारे जीवन में कभी कभी यही अहंकार हमें बहुत आगे की ओर ले जाता है और कभी कभी यही अहंकार हमें ले डूबता है। अहंकार होना अच्छी बात है और कुछ जगहों पे बुरी बात भी है। अहंकार देखिए हमें किस तरीके से ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, घमंड है हमें, तो हम उस चीज़ को करके ही रहते और करते भी हैं तो हम सक्सेस बहुत जल्दी पा लेते हैं। और वही चीज़ अगर हमें अहंकार हो जाए कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और कुछ नहीं करके सीधे बैठ जाना है हाथ पे हाथ रख के, तो आप डूब जाएंगे। अहंकार वही कहा कि अहंकार कुछ जगह पे अच्छा है, कुछ जगह पे बुरा है। यहाँ पे फिर मैं बोलती हूँ, अहंकार से भरना तो जैसे बैलून के समान है। बैलून में हम हवा भरते हैं, उसके बाद हवा निकलने के बाद बैलून सिर्फ ऐसे ही है, उसका कोई वो नहीं, आसमान में उड़ नहीं सकता। इसीलिए अहंकार को कहा है बैलून में हवा भरने के बराबर। बैलून भरा है, आप आसमान में उड़ा लीजिए, वो छूने की कोशिश करता है, हवाओं में उड़ता है और आसमान में छूने की कोशिश करता है। अहंकार वही कहना चाहती हूँ मैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, बीरबल और अकबर की कहानी तो हम सब सुनते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल मैं एक बकरी देता हूँ, या प्रजा में अनाउंस कर दो, ये बकरी मैं जिसको देता हूँ, इसको खिलाना है, अच्छा खिलाना है, पिलाना है, सब कुछ, लेकिन जो वेट और जितनी मोटी अभी है उतनी ही होनी चाहिए, इसका वेट बढ़ना नहीं चाहिए। एक महीने बाद फिर से हमें वेट नापेंगे इसका और इसकी हेल्थ जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। तो सारी प्रजा कहती हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीरबल, आप सब जानते हैं बीरबल बहुत चतुर थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बीरबल को अकबर जी ने बकरी को दे दिया। अब एक महीने बाद फिर बीरबल जी अकबर के पास वो बकरी लेके गए, तो जैसी के वैसे, जैसे दिया था वैसे के वैसे ही रही वो बकरी। तो सबने पूछा ऐसा क्या किया, खिलाया पिलाया सब कुछ, लेकिन क्या हुआ कि उसके वेट नहीं बढ़ा, कुछ नहीं। हम ही थोड़ा सा खाना खा ले, कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस, एक दो महीने बाद वेट बढ़ जाता है। तो सब पूछते ऐसा क्या हुआ, तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं, सारा दिन मैं इसको खिलाता था पिलाता था और रात को शेर के सामने खड़ा कर देता था। तो वो, आप भी सोचिए, सारा दिन वो खुश होके और रात को शेर के सामने खड़ी, शेर पिंजरे में वो बाहर बंधी हुई, तो उसका वेट कहाँ गया, जो का तो। यही कहना चाहती हूँ, घमंड करो लेकिन प्रभु को भी याद करो। किसी को नीचा ना दिखाओ अपने घमंड में। घमंड करना है तो अपने को ऊपर राइज करने के लिए घमंड करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करिए। घमंड अपने में ही कहते हैं, यहाँ तो घमंड रावण का भी नहीं रहा। अहंकार किसी का नहीं बसता। जो किसी को नीचा दिखाने के लिए अहंकार किए जाए वह अहंकार ले डूबता है, लेकिन अपने को आगे बढ़ाने के लिए कोई अहंकार करता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। तो अहंकार करिए लेकिन सोच समझ के कहाँ पे करना है क्या नहीं करना है। हर कोई अपने ढंग से जिंदगी भी जीता है, लेकिन प्रभु को याद और दूसरे की मदद, ये हमेशा आपको याद रखना है कि करना है। जिसको जरूरत है उसके करेंगे तो बात वही होगा ना, बैलून आसमान में उड़ रहा है लेकिन उड़ते जा रहा है, लेकिन किसी चीज से टकराया या कुछ हुआ तो वह बैलून फूट जाता है।
जितने ऊंचाई हम स्पीड से चढ़ते हैं उतनी ही नीचे भी गिरते हैं। आहिस्ता से आहिस्ता चढ़ते हैं तो बहुत ऊंचाई भी चढ़ते हैं। अहंकार करिए, अपने गुणों पे करो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ना करिए। अगर आपको मेरे बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।